वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। होप ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, टुडे इज बर्थडे सेलिब्रेशन, वो भी आंटी का बर्थडे सेलिब्रेशन है। और ये रही गुन्नू और ये रही मैं। गुन्नू आज हमारा सेम हो रहा है ऊपर का ना। गाइज, मैंने नीचे अपना वन पीस पहना है, अपने लॉन्ग शूज पहने हैं और कोट मैंने ये वाला पहनना है। और मैं, नितेश, अंशु अंकल और गुन्नू, हम लोग आ गए हैं गाड़ी में। और प्रेरणा आंटी और बीना आंटी, नानी, मतलब बीना आंटी और जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं वो बाद पीछे आ रहे हैं। और प्रेरणा आ रही है आंटी के साथ ही, और नोना भी आंटी के साथ है। मैं, अंकल और पुनीत तो ऑलरेडी वेन्यू पे ही था, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन करा रहा था। गुन्नू, एक बार मुझे फुल लुक दिखाना यार गाइस को। मैंने बस ये लॉक नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लॉक लिया था तो आपको लगेगा मैंने वही कोट पहन लिया है। और नितेश अंकल और अंशु अभी गाड़ी पार्क करने गए हैं। गुन्नू भी देखो सुंदर लग रही है। हम, ये वही ड्रेस है जो रात को हम ट्राई कर रहे थे 3:30 बजे। तो गाइज, अभी वेन्यू के लिए आप वेट करो और बाकी आप कमेंट्स में बताना हम कैसे लग रहे हैं। गाइज, अब चलते हैं ऊपर और वो लोग अभी आए नहीं पार्क करके, मैं तो वेट करके आ गई उनका। और गुन्नू भी चली गई है। और गाइज, यहाँ पे तो बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। ये रहा, वाओ, थैंक यू। वाओ, ये देखो गाइज। तो गाइज, ये वेन्यू है आंटी के बर्थडे का, और ये पूरा गुन्नू ने ऑर्गेनाइज किया है। और जो पूरा ये वाला टेबल है ये हमारा है, और वहाँ पे देखो डेकोरेशन और हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है आंटी के लिए। और बाकी बहुत ज़्यादा बहुत प्यारी प्लेस है। और यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, जो भी आपको चाहिए हो, व्हाट यू वांट, सब कुछ मिलेगा इधर। और ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है जो गुन्नू ने कराया है। ये देखो, मुझे सबसे ज़्यादा इनकी चेयर अच्छी लगी गाइस। नहीं, बहुत ज़्यादा पिटी लग रहा है, ये जगह अच्छी है यार। और ये यहाँ पे बोर्ड लग रहा है, लग गया है विशिंग ये वेरी हैप्पी ऑर्गेनाइज बाय गुन्नू। आंटी आ गई है, और अभी हम प्रेरणा और वो भाई, वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं ना, अंकल हैं। अच्छा, क्या मना किया, क्या मना किया था, कब करा मना, हमें तो पता ही नहीं चला। नन्नू, हेलो, बस पुनीत और अंशु गए हैं गाड़ी लगाने, क्योंकि गाड़ी पार्किंग की नहीं, तो वो अपने हिसाब से कहीं लगा के आएंगे। और ये भी आ गई है। और तो गाइस, सब लोग यार, ये सॉन्ग्स नहीं बंद कर रहे बस, इतना मे बी डोंट नो कॉपीराइट है नॉन कॉपीराइट है, बता नहीं। आ गए हैं, हाय मांशु, मांशु भी आए हैं, ये भी आ गए हैं, गाड़ी पार्क करके। और इधर लोग आ गए हैं, इधर हमारे पास बलून्स भी हैं, बलून्स भी आए हैं पार्टी में, बहन खाना मंगवा। गाइस, सब लोग आ चुके हैं और अभी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ प्लेट सर्व कर रहे हैं। और ये देखो, वहाँ तक पूरे आ गए हैं सब। अंशु के साथ बैठी सर्व करते हैं, ऐसे नहीं कि गिरा दें। हाँ, नितेश ने किया था गाइस, ऐसे सर्व करते हैं। मैं भी आज के बाद से ऐसे डाल रहा हूं वो मोमोज। जी आए हैं, अभी हमने से स्टार्टर्स खाया था, जैसे कि चिली पोटैटो चाउमीन वगैरह यही सब। और मैं अभी, मैं, नितेश, मैं नितेश, प्रेरणा और अंकल अभी नीचे आए हैं कुछ सामान लेने, और वो लोग अभी ऊपर है, उन्होंने खाना ऑर्डर, मामू भी आए हैं, उन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया, तब तक वो खाना आ जाएगा, फिर हम जाके खाना खाएंगे। ठंड कैसी हो रही है, दिख रही है? और गाइस, मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मनाली में मतलब मैं चाइना चली गई हूँ। और हस्बैंड है गाइस, अलग अलग घूमे जा रहे हैं बहन मुझसे, ठीक है, ये जताना चाह रहे हैं ये सिंगल है तो मैं भी सिंगल हूँ। आप यही तो बता रहे हो ना, घूम गए तो मुझे साथ लेके घूम ही नहीं रहे हो।
ऐसे कंधे पे हाथ डाल के ऐसी वाइब्स आती है ना। हाँ ऐसे नहीं पागल से ऐसे। हाँ ऐसे हाँ देख लो मैं पता ही नहीं है, सिखा देना कुछ मम्मी जीजू को बोलो कि सिखाने के लिए। गाइस वी आर मिसिंग मम्मी जीजू। इसने एग खा लिया ना इसको टेंशन हो रही है। तो गाइस नितेश के हाथ में चोट लगी है और आंटी ने खाना ऑर्डर कर दिया था, इनके हाथ में चोट लगी है तो ये खुद से खा नहीं पा रहे हैं, तो मैं इनको खाना खिला रही हूँ। और अभी हम खाना खा के घर चले जाएंगे, देखेंगे बाकी ठंड कैसी है बाहर, क्योंकि तो बहुत ज्यादा फॉग हो रही है। और नितेश बहुत ज्यादा हो रही है क्या? नितेश ही बता रहे कि बहुत ज्यादा फॉग हो रही है, बाकी देखेंगे। नहीं वो देख लिया मैंने। उनके हाथ में चोट लगी हुई है ना इस वजह से ढंग से, मतलब पेट भर के नहीं खा पाते, खा तो लेते हैं ऐसे ऐसे करके ना, फिर इनको ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है। बोलिए आंटी के केक कटने की तैयारी, और ये दोनों यहाँ पे करा रहे हैं फोटो सेशन, क्योंकि ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है तो दिखाएंगे कि हाँ ये इन्होंने किया है। अरे नहीं यार क्यों यार, अच्छा अभी दे रही हूँ यार, और सब रेडी है बस केक कटवाने के लिए। हाय नानू पापा, ठीक है अच्छा नानू वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस अब सारे रेडी हो गए केक कटने के लिए और अब केक कट रहे हैं। नोना को देखो केक के लिए कैसे कर रही है। Happy birthday to you. Aayi ho kya kar rahe ho jinko kar jaldi nani ke pilao phir bas kaat chachu aao na baat mein aao जूम करो ना नया डर देखना। हाँ केक बहुत अच्छा है सच्ची में। चलो जल्दी फोटो तो खिला सबको पापा आओ फिर यही खा लो ना लोग खिला दो खराब आदमी साइड प्लीज यार बहुत टेस्टी है। व्हाइट वाला वाला देखो अच्छा है यार। देखो जरा गुन्नू क्या लाई है। नो मम्मा ये लो खोल के देखो और खोल के तो देखो। आंटी जल्दी खोलो जल्दी खोलो जल्दी इसमें क्या है। मम्मी आप पहले गिफ्ट खोलो। लाओ मामा लाओ लाओ। अब आंटी रोज आएगी मुझे 100% पता है। दिखा दो एक बार यहाँ पे दिखा दो एक बार टर्न करके दिखा दो
जूम कर लो आप भी। किससे लाई है? गुरु श्री ज्वेलर से। गाइस आपको भी गोल्ड बनवाना हो तो नहीं बताएगा। चल पहना दे मम्मी को। चल पहना दे मम्मी को। देख मैं कह रहा था ना रो जाएगी मम्मी अब। गाइस ये देखो रुकी नहीं थी दोनों की दोनों। देखो की तरह खाने में लग रही है। खाना वाना सब हो गया है, अब घर वापस जा रहे हैं और बस बिलिंग हो रही है और नितेश सब वहाँ पे बैठे हैं। मैं आपको बैक कैमरा से दिखा दूँ। नितेश और अंशु तो वहाँ बैठे हैं और यहाँ पे सब बिलिंग कर रही है। पुन्नू पुन्नू अंकल और आंटी ये नोना को लेके नानू बैठे हैं और रेस्टोरेंट भी बंद होने का टाइम हो गया। ये अभी क्लीनिंग कर रहे हैं अपने साथ। अब मैं आपसे बात करूंगी, अभी बाहर जाके देखेंगे कि फॉग का क्या सिस्टम है, ठंड मतलब धुंध है या नहीं। अगर फॉग ज़्यादा होगी तो वो नितेश बताएंगे, बाकी अभी नितेश ही बताएंगे कि हम घर जाएंगे या फिर क्या रहेगा क्या नहीं। नोना अभी मेरे पास है। हाय नोना, हाय कर दो गाइस को। और ये नोना का पर्स है। हम हो गया है सब कुछ, अब हम निकल गए हैं और बहुत बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। कैसी हो रही है ये? क्या क्या बदतमीजी है, क्यों है ये आपके मुंह में? तो गाइज अभी हम जा रहे हैं घर, पहले इनको ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि कुछ सामान है इनका और आंटी शायद गुन्नू और निशी वगैरह भी छोड़ने हैं, फिर हम निकल जाएंगे। बाकी बहुत ज़बरदस्त ठंड हो रही है। अंकल बस करते आप भी। ये चलो 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 आ गया, चलो घर, बाय बाय कर दो। गाइस नोना देखो गाड़ी चला रही है अपने आप। कर दे नोना बाय, चलो चलो। आ नहीं आपका घर आ गया बाबू, घर जाओ। गियर दे रही है। अच्छा गियर लगा रही है, ओके छोड़ रही है। नोना घर जाओ बाबू, घर बाय। हाँ बाय, चलो 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 अपने घर जाओ, घर आ गया आपका। इसको स्टेयरिंग इतना पसंद आ रहा है। जब हम आ गए हैं घर और ये देखो बैलून्स, और बैलून्स लाए थे आप कहाँ हैं? अच्छा और गाइस मैं तो बैठ जाती हूँ हीटर लगा के क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और गुन्नू गुन्नू है उस वाले कमरे में, मतलब अपने वाले रूम में। ये रही गुन्नू, ये अपने ब्लॉग का एंड करिए। हाय गाइस, बाय बाय, टाटा। करते हैं एंड यहीं पे। होपफुली आपको पसंद आया होगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बर्थडे सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताओ। क्यों लड़ाई करते हो? एक मिनट यार, बात कितनी सीरियस कर दी। बता क्या? 8 बजे के खाना खाऊंगा। तो आप लायक नहीं थे ना वाले जाने के, आपको घर में ही ला के देना था हमें, घर में ही चटनी रोटी बना के देनी थी। टमाटर प्याज की चटनी में राजी रहते हो? तो गाइस कमेंट करके बताना आंटी का बर्थडे सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा। बाय 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 गाइस। ये भी दोनों भी कर रही है भाई।